नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार इंडिया में और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। अतिक्रमण ये शब्द ही ऐसा है कि अच्छे अच्छों के कान खड़े कर देता है, इससे कोई बच नहीं पाया। सरकार की जमीन पर अगर कब्जा किया है तो उसकी खैर नहीं, फिर चाहे वो मंत्री हो या फिर कोई आम इंसान। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, चिन्हित कर अतिक्रमण को हटा रहा है। बीते कई दिनों पहले पलटन बाजार समेत धामावाला, मोती बाजार, हनुमान चौक और पीपल मंडी बाजार में नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण पर कार्यवाही की गई, जिसमें पूरा सहयोग बाजार के व्यापारियों द्वारा भी किया गया था और बाजार को सही रूपरेखा में लाया गया। निगम और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्यवाही पर प्रदेश की राजधानी देहरादून में इसकी सराहना की जा रही है। इससे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नौशाद अख्तर ने मेयर सुनील उनियाल गामा से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं समाचार इंडिया का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जनता की आवाज़ को जो है जनता तक पहुँचाई, और जो हमारा अतिक्रमण अभियान चल रहा है इसमें भी आपका बहुत बड़ा सहयोग नगर निगम को मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देहरादून वासियों को एक बाज़ार सुव्यवस्थित हो इसके लिए नगर निगम और पुलिस विभाग द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनता का सहयोग बराबर जो है नगर निगम को मिल रहा है, इसके लिए भी मैं देहरादून की संपूर्ण जनता का उनका धन्यवाद करता हूँ। व्यापारी भाइयों का भी जो बराबर जो है सहयोग कर रहे हैं, हमारे जो अतिक्रमण अभियान चल रहा है व्यापारी भाई भी लगातार जो है इसकी मांग कर रहे थे कि देहरादून को जो है व्यवस्थित करें, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको रोका जाए। तो ये अभियान में जो है सभी व्यापारी भाइयों का भी उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस अभियान को जो है बहुत अपना आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेयर साहब, हमेशा एक लक्ष्य बना रहा है, एक चुनौती बनी रही है निगम और प्रशासन के लिए अतिक्रमण को लेकर, इस बार के जो प्रयास हैं वो मुकम्मल तौर पे प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी स्थायी रूप में रह जाएंगे? इसमें जनता का सहयोग मिल रहा है, सरकार भी चाहती है, व्यापारी भी चाहते हैं कि जो है सब अमन चैन से रहें, इसलिए जो भी ये अभियान चल रहा है देहरादून को जो है सुंदर बनाने के लिए, देहरादून स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। सबसे पहले खुद को स्मार्ट बनना है, इसलिए सारे जनता भी साथ में है, व्यापारी भाई भी साथ में है, और जो ये सब कुछ हो रहा है ये देहरादून वासियों के लिए हो रहा है, इसलिए मैं सभी देहरादून वासियों से एक बार पुनः अनुरोध करूँगा कि इसमें हमारा सहयोग भी करें। जो प्लास्टिक के खिलाफ भी एक अभियान नगर निगम अब चलाने वाला है उसमें भी जनता का हमें सहयोग चाहिए, जनता के सहभागिता जिसमें भी होगी वो जरूर सफल होगा। मैं एक बार पुनः जनता से अनुरोध करूंगा कि इसमें आपके सहयोग के बिना ये काम जो है संभव नहीं है, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से जो नगर निगम एक प्लास्टिक मुक्त देहरादून को बनाने का जो हमारा सपना है उसको साकार करने के लिए सभी का आशीर्वाद चाहिए, आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। आपके आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।